मागील मॅचचा हिरो या मॅचमध्ये बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होईल आदित्य मोरे हा गोलंदाज तुम्हाला बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. शेवटची मॅच चांगली स्पर्धा तिसरा दिवस सुपर एट ही लढत आपण खरंतर पाहणार आहोत. सर्व प्रेक्षक सर्व अतिथी मान्यवर ज्यांचं करूया आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. चांगली स्पर्धा पनवेल तालुक्याच्या अव्वल दर्जाची स्पर्धा आपण एन्जॉय करतो नेरे नगरीमध्ये. गोलंदाज तयार कम बॉक्समधून शुभेच्छा. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. पहिलाच बॉल आदित्य मोरे समोर बारक्या शेलके परिचय दिलाय. पहिल्याच बॉल वरती इरादे स्पष्ट इरादे मजबूत केले आणि बारक्या शेलक्याच्या पहिल्याच बॉल वरती चौकार. काउन हे ओपन केलं जातं. चार षटकांची मॅच आहे आणि चांगला टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न सध्या आपण पाली टीमचा पाहतोय. पहिला षटक मेंडेटरी पापर सर्कलचा. सेकंड बॉल गोलंदाज आदित्य मोरे. सेकंड बॉल टॅपिंग क्रिकेट क्षेत्ररक्षक आहेत. जोपर्यंत चेंडूला अडवतील उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. एका धाब्याला प्राधान्य दिलं एका धाब्यानं स्ट्राईक देखील रोटेट झाली आहे. स्ट्राईकवरती फलंदाज विशाल शेलके हा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॉल गोलंदाज आदित्य मोरे. पुलटॉस बॉल व्यवस्थित बाटच्या रडारमध्ये आला नाही आहे. पहिला षटक पिवनचा षटक आहे. फक्त गॅप देणं हे गरजेचं होतं आणि ते गॅप सिलेक्शन करता आलं नाही विशाल शेलकेला. सरळ क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या हातामध्ये आणि फक्त सिंगल. पुन्हा एकदा एका धाबेला प्राधान्य दिलं. संघाची धाबसंख्या फलकावरती सहा या आकड्यावरती जाऊन पोचला आहे सध्या जय बाबदेव पाली संघ. समोर पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती बारक्या शेलके हा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळेल. बारक्या प्रहार करण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये. एसटी रक्षक चुकी करणार नाही. बारक्या शेलकेची विकेट मैदानातून बाहेर. जे बाबदो पाली टीमला हा पहिला धक्का. पहिला धक्का फलंदाज बारक्या शेलके मैदानातून बाहेर झालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राहुल शेलके हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. पहिला षटक फेकतं जरूर पहिल्या बॉलवरती चौकार. त्याच्यानंतर भरपूर चांगली गोलंदाजी अगदी योग्य लाईन योग्य दिशा अशी गोलंदाजी आदित्य मोरे याची पाहायला मिळाली. मागील तीन बॉलवरती फक्त दोन आणि एक झटका खरं तर बॅटिंग करत असताना पाली टीमला दिलाय. न्यू पासमन मैदानाच्या आतमध्ये राहुल शेलके हा इन झालाय आणि पहिला षटक पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती आदित्य मोरे. पुढचा बॉल अगदी प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅट अगदी वेगानं फिरवली होती मात्र बॅटनं चेंडूचा संपर्क नाही आणि डॉट चेंडू पाहायला मिळेल. धावसंख्या स्थिर फलकावरती सहा या आकड्यावरती जय बाबदेव पाली आणि पहिला षटक दमदार सध्या फेकतोय गोलंदाज आदित्य मोरे. शेवटचा अंतिम बॉल समोर विशाल शेलके हा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईकवरती पाहायला मिळेल. राहुल शेलके यस. राहुलच्या बॅटमधून हा तडाखा चेंडू चालला अगदी बॉन्डलाईनच्या बाहेर सहा धाव्यांसाठी अंतिम बॉलवरती. राहुल शेलकेनं एक धक्का लागला. फलंदाज बारक्या शेलके हा मैदानातून बाहेर झाला. सेकंड षटक बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज रमेश पवार उर्पाऊ. रमेश पवार हा गोलंदाज तुम्हाला बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसामध्ये शेवटची मॅच
वेळेवरती स्पर्धा संपन्न होते। आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहतोय दमदार स्पर्धा, अगदी रॉयल आयोजन या स्पर्धेमध्ये भरपूर मेहनत घेतली सर्व टीमनं आणि सर्व टीमच्या मेहनतीनं साकारलेलं हे क्रीडांगण आपल्याला नेरे नगरीमध्ये पाहायला मिळतं। सेकंड षटक बॉलिंग ट्रॅकवरती रमेश पवार समोर फलंदाज पाहिलं तर विशाल शेलके हा फलंदाज ट्रॅकवरती पहिलाच बॉल प्रहार केलाय। रमेश पवारवरती प्रहार चढवला फलंदाज, विशाल शेलकेनं टोकला ब्रँडेड षटकार। अगदी चांगला फटका एक्झिक्यूट केला फलंदाज विशाल शेलकेनं आणि गोलंदाज रमेश पवारचं स्वागत केलं षटकारानं। सेकंड बॉल यस ऑफस्टंपच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, इट इज अ व्हाईट, अवंतर धाव मिळेल बॅटिंग करत असताना जय बाबदेव पाली टीमला आणि संघ जाऊन पोहोचला 19 आकड्यावरती। हो सुपर बॉल, तेवढा चांगला फटका, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धाबीचा प्रयत्न होतोय आणि दोन धाबा कंप्लीट, चित्याच्या चपलाईने या दोन धाबा कंप्लीट। चांगली फलंदाजी सध्या विशाल शेलके आणि राहुल शेलके या मॅचमध्ये साकारतो। पारखेची विकेट मैदानातून बाहेर गेली, त्याच्यानंतर अगदी चांगला संघर्ष जे बाबदेव पाली संघ करतोय, संघ जाऊन पोहोचलाय 21 धाबेनं सध्या श्री गणेश करतोय जे बाबदेव पाली। फुलटॉस बॉल, ताकद पाहावी लागेल, क्षेत्ररक्षक आहेत, थोडासा दूर चेंडू, एक टप्पा बाउन्स, चेंडू फरार, चार धाबेंसाठी आलाय चौकार। थँक्यू, चांगली फलंदाजी सध्या विशाल मैदानाच्या आतमध्ये साकारतोय, एक षटका एक चौकाराच्या मदतीनं अगदी चांगला खेळ साकारत असताना जे बाबदेव पाली टीमसाठी। ओ इथे फर्निचर डिस्ट्रॉय, त्रिपला चित फलंदाज बाद धक्का क्रमांक दुसरं जे बाबदेव पाली टीमला, विशाल शेलके मैदानातून बाहेर। दुसरा धक्का फलंदाज विशाल शेलके, ज्यानं भरपूर चांगला खेळ साकारला जब बाबदेव पाली टीमसाठी, आता त्याची विकेट मैदानातून बाहेर गेली आहे। धावा पुस्तकावरती धावा पाहिल्या ना तर 25 या आकड्यावरती पाली संघ। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, प्रतीक शेलके हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ रमेश पवार, ज्यानं चार चेंडू फेकले, धावा खर्च केला टोटल 13, ज्याच्यामध्ये एक विकेट। नवीन फलंदाज प्रतीक शेलके हा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईक वरती पाहायला मिळेल। गोलंदाज पुन्हा एकदा सजवेल, फिल्डिंग डिपार्टमेंट अगदी चांगलं सजवला, विकेट साठी झालं हे रचलं जातंय। इष्टरक्षकाला बीट केलं, चेंडू चला लॉंग स्टॉप ला नॉन स्टॉप चौकार। पाच पंजा मिळालाय खरं तर पाली टीमला आणि या पाच धाबेनं संघ देखील पुढे सरकलाय। संघाची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली फलकावरती, 30 या आकड्यावरती सध्या पाली संघ। हा ट्रॅकर सरप्राईज केला आणि इथे विकेट, बॅटची एज फलंदाज बाद, धक्का क्रमांक 3 प्रतीक शेलके मैदान।
तर तीसरा धक्का तीन फलंदाज मैदानातून बाहेर झालेत। अगदी चांगली गोलंदाजी, जरूर एक षटका एक चौका जरूर आला या षटकामध्ये रमेश पवारच्या, मात्र दोन धक्के देखील दिले पाली टीमला। आता न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला रोहित पाटील, हा फलंदाज तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। धावपुस्तकावरती धावा आल्या टोटल 30, सेकंड षटक धावा भरपूर आल्यात मी म्हणेन पाली टीमसाठी, मात्र विकेट देखील इम्पॉर्टंट असतील। जर वारंवार विकेट गमवलं ना तर मागील आता दोन षटक जे राहिलेत ना त्याच्या त्या षटकामध्ये करता धाव्यांसाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल, त्याच्यामुळे विकेट वाचवावे लागतील। रोहित पाटील इन झाला मैदानाच्या आतमध्ये, तो धावपुस्तकामध्ये धाव आहे 30। शेवटचा अंतिम बॉल फिंगर रोल, गोलंदाज रमेश पवारचं पाहिलं ना, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर वलंग येतो आणि यस हा डॉट चेंडू, अंतिम बॉल डॉट आला। अशा रीतीनं दोन षटकांचं केस समाप्त झालं आणि दोन षटकांच्या अखेरीस 15 सरासरीनं धावा जमा केल्या, जे बाबद पाली टीमनं संघ जाऊन पोहोचला 30 या आकड्यावरती। तर 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला, 12 चेंडूंमध्ये आल्या 30 धावा, अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज वाकडी टीमचा हा तिसरा ट्रम्प कार्ड, तिसरा गोलंदाज अविनाश पाटील हा गोलंदाज तुम्हाला बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल। मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज रोहित पाटील यांना त्याला साथ देत असताना राहुल शेलके ही जोडी तुम्हाला खेळपट्टीवरती पाहायला मिळेल। 12 चेंडूमध्ये 30 धावा बनल्यात, 12 बॉलमध्ये किती धाबा जमा करेल सध्या जय बाबदेव पाली आणि किती धाब्यांचं लक्ष सेट केलं जाईल अगेन्स्ट खेळणाऱ्या आई गावदेवी वाकडी टीम समोर। गोलंदाज तयार, पहिलाच बॉल प्रहार केला, इन टू द स्लॉट फेकून दिला, आउट ऑफ द प्लॉट, इट्स अ बिग हिट। फलंदाज राहुल शेलके याच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार। अविनाश पाटीलचं स्वागत केलं राहुलनं षटकारानं, चांगली फटकेबाजी आपल्या सध्या पाहायला मिळते। सेकंड बॉल कोलबर डब्बाचा बॉल जरूर होता, मात्र खोदकाम करण्याचा प्रयत्न सुरेख होता, बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे इथे डॉट चेंडू, थोडंसं बॅकअप दिलं जातं, षटकारानंतर बॅकअप गरजेचं असतं आणि तो देतोय सध्या गोलंदाज अविनाश पाटील। डॉट चेंडू फेकलाय, धावपुस्तकावरती धाबा 36। तिसरा बॉल वेगवान, पा प्रत्येक बॉल वेगळ्या रीतीनं सध्या डिलिव्हर करतोय अविनाश पाटील आणि एक करणं गरजेचं आहे। मी आपण सातत्यानं पाहतोय, ज्यावेळी तुम्ही गोलंदाजी करत असताना तेव्हा तुमच्याकडं व्हॅरिएशन फिंगर रोल आणि तुम्हाला प्रत्येक बॉल वेगळ्या रीतीनं डिलिव्हर करता आला पाहिजे। एक टप्प्यावरती तुम्ही सातत्यानं गोलंदाजी केली ना तर त्यावेळी तुम्हाला फलंदाज चोप उत्तर देत असतो। इथे थोडंसं वेगळं चाणक्यरित्या गोलंदाजी साकारतं अविनाश पाटील, सलग बॅक टू बॅक दुसरा बॉल निर्धाव फेकलाय समोर फलंदाज राहुल शेलके। अजून एक फ्रंट फुटवरती आले, सलग तिसरा बॉल निर्धाव, पा कम बॅक कसं करावं ना याचं जिवंत उदाहरण देतो अविनाश पाटील आणि सलगचा हा तिसरा बॉल निर्धाव फेकला। धावसंख्या स्थिर आहेत फलकावरती, संघ जाऊन पोहोचला 36 या आकड्यावरती। राहुल शेलकेला सध्या शांत ठेवलाय। हा ट्रॅकर फुल करण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये, इलिमिनेशन ताकद कमी होती, क्षेत्ररक्षकाचं बॉडी बॅलन्स चुकलं आणि इथे चेंडू फरार झालाय। 4 धाव्यांसाठी मिळालाय चौकार, चुकीला जीवनदान दिलं आणि 4 धावा देखील आल्या, संघ जाऊन पोहोचला 40 आकड्यावरती।
दिलेलं जीवनदान त्याची किंमत नक्कीच मोजावी लागेल. राहुल शेळके आपण वैयक्तिक खेळ पाहिला, 2 षटकार 1 चौकार पुन्हा प्रहार केलाय. चेंडू खूप सावेल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकवर्ड्स कव्हर लेगला आणि इथे चुकी होणार नाही. या धक्का क्रमांक 4 चौथा फलंदाज मैदानातून बाहेर. तर 3 षटकांचं खेळ समाप्त झालं. 3 षटकांच्या 21 फलकावरती धाव आल्या 40. बॅटिंग करत असताना जय बाबदेव पाली टीमसाठी. शेवटचा अंतिम षटक बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. तेजस पवार याचा वापर केलाय आई गावदेवी वाकडे टीमनं. समोर फलंदाज रोहित पाटीलनं त्याला साथ देत असताना फलंदाज कल्पेश शेळके ही जोडी खेळपट्टीवरती असेल. 18 बॉलमध्ये 40 धाबा बनवल्यात. या षटकामध्ये किमान 15 धाबा जरी बनवल्या ना तरी एक चांगला टार्गेट सेट होऊ शकतो या मॅचमध्ये जय बाबदेव पाली टीमचा. आणि तो प्रयत्न करावा लागेल. रोहित पाटील एक विस्फोटक खेळाडू आहे. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये भरपूर चांगला खेळ राहिला. आता या मॅचमध्ये टार्गेट सेट करायचा. पहिलाच बॉल कोलोबा टप्प्याचा बॉल, क्षेत्ररक्षक आहेत आणि फक्त सिंगल. पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली आहे. एका धाबेनं संघ देखील पुढे सरकला. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पहिली फलकावरती 41 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय सध्या जय बाबदेव पाली. सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. बॉलिंग ट्रॅकवरती तेजस पवार हा गोलंदाज आपण पाहतोय. समोर फलंदाज कल्पेश शेळके. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, फक्त सिंगल. पण अंतिम षटकामध्ये धाबेला आता ब्रेक द्यावं लागेल, कारण की सेकंड सत्रामध्ये त्याच तुम्हाला धाबा भरपूर चांगल्या करते होऊ शकतात. कारण की इथे धाबेला ब्रेक दिला तर एक लो स्कोर आपला टार्गेट पाहायला मिळेल. मात्र तशा रीतीनं गोलंदाजी साकारणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर चिंतामणी शेळके यांच्याकडून कॅश प्राईज सलग 2 बॉलवरती 2 षटकार मारले तर कोणत्याही फलंदाजाला 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. हा चेंडू अभ्यामध्ये क्षेत्ररक्षक येथील चुकी होत्या. जीवनदान रोहित पाटीलला आल्या 2 धाबा जे बाबदेव पाली टीमला. 2 धाबेनं संघ देखील पुढे सरकलाय. संघ जाऊन पोहोचलाय 44-44 या आकड्यावरती. चला चिंतामणजी शेळके आपण आला असाल तर या व्यासपीठावरती तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. डे स्पर्धेचे एक यशस्वी आयोजक करते आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 2 धाबा संघ जाऊन पोहोचला 44-44 या आकड्यावरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 बॉलवरती 2 तरी मोठे फटके आले ना तर फायटिंग टोटल नक्कीच पाहायला मिळेल. रोहित पाटील एक्स्ट्रा कबरला चेंडू खेळलाय. एक धाव कम्प्लीट. पुन्हा एकदा दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धाबा कम्प्लीट होतील. प्रत्येक धाबेसाठी शिरकाव होतोय, कारण की टार्गेट सेट ओव्हर आहे. आणि या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तेजस पवारनं अजूनही एक सुद्धा मोठा फटका मारू दिला नाही आहे. मोठ्या फटक्यापासून थोडंसं वंचित ठेवला जे बाबतीत पाली टीमला आणि रोहित पाटीलला. संघ जाऊन पोहोचला 46-46 या आकड्यावरती. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज तेजस पवार. शेवटचं अस्त्र चौथा षटक. प्रहार केलाय एक्स्ट्रा कव्हरला. पुन्हा एकदा नो मॅच लँड चेंडू डिलेबर झालाय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतील उचलतील फेकतील तोपर्यंत 2 धाबेला प्राधान्य दिला. अंतिम षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी साकारतोय तेजस पवार. आता अंतिम बॉल शिल्लक असेल आणि अंतिम बॉलवरती कोणती मोहोर लावली जाईल खरं तर फलंदाज रोहित पाटील याच्या माध्यमातून.
आमचे बंधू अर्थात विशाल पाटील पाली देखील या स्पर्धेला एन्जॉय करतात, आपलंही हार्दिक स्वागत. अंतिम बॉल गोलंदाज तेजेश पवार समोर रोहित पाटील. फुल टॉस बॉल जरूर होती, दिशा दिली बॅकवर्ड, कव्हर लेग, क्षेत्ररक्षक बेगाने येतील. एक धाव कंप्लीट, थोडं लेझी क्रिकेट झालं. दोन धाबा कंप्लीट, तिसरे धाबेचा प्रयत्न फसेल, रनआउटचा शिकार फलंदाज बाद. इथे समाप्त झालं पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जय बाब द पाली टीमनं धाबा जमा केला. 50 आणि 51 धाब्यांचं लक्ष ठेवलंय खरं तर आई गावदेवी वाकडी टीम समोर. हा लक्ष कशा रीतीनं पार केलं जाईल. अख्या सेकंड सत्रामध्ये व्हॉइस ऑफ वाजे अगदी चांगलं. आज दिवसभर ज्यांचं आपण समालोचन ऐकलं ते आमचे सिनियर समालोचक अर्थात मनोजी पाटील सर यांचा आपण आवाजातून ऐकूया सेकंड सत्र. तोपर्यंत मी खरं तर मनापासून आभार व्यक्त करेन पूर्ण टीम स्वर्गीय जितेंद्र पाटील चषकाचे सर्व आयोजक करते आणि आमचे अर्थात मित्र सागर मांडवकर सर यांचं देखील आभार व्यक्त करेन ज्यांना या स्पर्धेमध्ये आम्हाला समालोचन करण्याची संधी दिली. सर्व टीम, सर्व खेळाडू, सर्व प्रेक्षक सर्वांचं मनापासून आभार. मी ते रजा घेतो. जय जय महाराष्ट्र. विनंती करेन सन्माननीय दीपकजी शेळके पाली आपल्याला मी विनंती करेन यायचे मंचावरती. नेरे संघातर्फे आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. तर आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये ज्यांनी समालोचनामध्ये आम्हाला सुरेख साथ दिली ते आमचे युवा समालोचक मंगेश पाटीलला शिरवली. तर मी विनंती करेन केतन म्हस्कर यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ या स्पर्धेची आठवण भेट देऊन त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करायचंय. केतन मस्कर साई कृपा मोबाईल रिपेअरिंग सेंटर आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी स्पोर्ट्स शूज सुद्धा देण्यात आलेत. तर केतन यांच्या हस्ते मंगेश इथे स्वागत होते. युवा समालोचक आहेत आणि शिरवलीवरून आलेत आणि सकाळी ते आमच्या आधी उपस्थितीने दाखवले त्यासाठी त्यांचे खूप खूप आभार, मनापासून धन्यवाद. आणि पुढच्या वाटचालीसाठी सुद्धा मंगेश तुला खूप सारे शुभेच्छा असतील. तर मंचावरती उपस्थित वांगणीतर्फे वाजे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य चिंतामणी शेळके त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेन. आमचे गीतेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते येणाऱ्या कालामध्ये 19 ते 24 जानेवारी रोजी त्यांची सुद्धा मोठी स्पर्धा किंजल ट्रॉफीचं आयोजन पाली गावामध्ये, त्या स्पर्धेला सुद्धा त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. मात्र इथे त्यांनी या स्पर्धेसाठी अमूल्य वेळ दिला त्यासाठी त्यांचं जितू 11 जनमन क्रिकेट संघ नेरे संघातर्फे गीतेजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते खूप खूप स्वागत, त्यांचा मान सन्मान. आणि मी विनंती करेन दीपकजी शेळके पाली आपल्याला सुद्धा मी विनंती करतोय या आपण मंचावरती, आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना आहे, काही कारणास्तव आधी संघ उपस्थित राहू शकत नाही, मात्र तो सुपर 8 चा सामना सोमवारी आपल्याला पाहायला मिळेल.
तो सभी का शुक्रिया दोस्तों, सभी मेहमानों का स्वागत हम करेंगे और मैदान में जाएंगे। जीतने के लिए टारगेट है 24 गेंदे, 51 रनों का है टारगेट। दो खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके, स्ट्राइकर इनके ऊपर योगेश पवार उनका साथ निभाएंगे, रमेश पवार मैदान में। तो गेंदबाजी में राहुल सेल के गेंदबाजी में आएंगे, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जो भी टीम जीतेगी सुपर 8 में पहुंचने वाली वो छठी टीम हमारी बन जाएगी। कौन सी टीम जाएगी सुपर 8 में, कैसे रहेगी लड़ाई, कैसा रहेगा संघर्ष, कैसा होगा मुकाबला, कौन जीतेगा ये बाजी, जबरदस्त लड़ाई होगी। दोनों टीम को ढेर सारी देंगे हम शुभकामनाएं। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। स्वीप करने की ये कोशिश थी लेकिन गेंद बहुत दूर थी उनके पाले से, उनके जोन से। अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन से खाता खुल चुका है गावदेवी वाकड़ी क्रिकेट टीम की पारी का। 51 रनों का टारगेट था, घटकर 50 हो गए। 24 गेंदे 50 रन और आज के दिन का शायद ये सबसे बड़ा टोटल है। इसी विकेट के ऊपर कल के दिन में हमने लगभग 90 रन 4 ओवर में चेस होते हुए देखे। नखरे कर रही है विकेट मैदान में, जबरदस्त क्रिकेट का माहौल अब बन चुका है। गेंदबाजी के लिए राहुल शेल्के तैयार है, अच्छा स्ट्रोक है परे शेल्के की। यह गेंद थी, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा छक्का। पहली गेंद वाइड आई थी, यही जो गेंदबाज इस टूर्नामेंट का पहला गेंदबाज बना था जिन्होंने मेडन ओवर फेंका है, लेकिन इस बार योगेश पवार के सामने पहली गेंद वाइड आ जाने के बावजूद बड़ा स्ट्रोक आया। 7 रनों के ऊपर पारी रफ्तार से पहुंच चुकी है। प्रेशर दोनों तरफ है, दबाव भरा माहौल है, इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। कौन मुकाबला जीतेगा, पहला और एकमात्र पावर प्ले का ओवर। गति में मिश्रण किया था लेकिन गेंद हाथ से चिटक चुकी थी। अंपायर का इशारा आएगा, यस इट इज अ बीमर और गेंद जाएगी सी किस क्यों डीजे नितिन अगले वेगले संगीत आपल्याला इथे ऐकायला मिळालं। मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों, बीमर गेंद फेंकी, टीम की रन संख्या अभी तक एक ही गेंद पूरी हुई है और 12 रन बन चुके हैं वाकड़ी क्रिकेट टीम की, जो 51 रनों का पीछा कर रही है। थोड़ा सा दबाव मंडराता हुआ पाली क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर गेंदबाज परेश शेल्के के ऊपर। प्री हिट की यह गेंद है, सुनहरा मौका है, परेश शेल्के चलेंगे, सामने है योगेश पवार। फ्री हिट की गेंद, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई नहीं है, नीचे आएंगे खिलाड़ी, लेकिन ये फ्री हिट है, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी, 13 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। शानदार और जानदार मुकाबला होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन यहां से विकेट आएगी तो मुकाबले में जिंदा रहेगी। इस विकेट के ऊपर रन बनाना इतना आसान नहीं है, पूरा दिन हम देख रहे हैं 51 का टारगेट है, लेकिन जैसे ही बीमर गेंद है उसका फायदा उठाया, दबाव पे डाल रहे गेंदबाज परेश शेल्के को। अब पहली मरतबा स्ट्राइकर इनके ऊपर आएंगे रमेश पवार, आओ का बल्ला चलना मैदान में बेहद जरूरी है। वाकड़ी क्रिकेट टीम की भी बात करेंगे, दूसरी तरफ पाली क्रिकेट टीम एक ताकतवर टीम है। गेंदबाजी के लिए राउंड द विकेट से आएंगे आओ के लिए, फील्ड प्लेसमेंट भी हम देखेंगे, मिड विकेट लॉन्ग ऑफ है। तेज तर्रार ये गेंद थी, शरीर से दूर रखने की कोशिश, अंपायर अमोल कालेसर इनका इशारा आया कि ये गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी। टीम की रन संख्या टोटल है 14 रन, 14 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। केवल इस ओवर की 2 गेंदें पूरी हुई है, लाजवाब बल्लेबाजी हुई और खराब गेंदबाजी का नजारा अब तक देखने को मिला, लेकिन कम बैक क्या कर पाएंगे परेश, ये भी सवाल बना हुआ है। जोरदार अपील, अपीलों में केवल उत्साह हमने देखा, विकेटों के पीछे से तेज तर्रार अपील हुई थी रोहित पाटिल और पूरे खिलाड़ी, लेकिन अंपायर यहां पर स्थिर है। हम यकीनन देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, बिल्कुल आप अंपायर से बहस नहीं कर सकते दोस्तों, पाली क्रिकेट टीम से हम गुजारिश कर दें।
ऑन फील्ड डिसीजन इज नॉट आउट। तकनीक इतनी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में सक्षम नहीं है दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट में हॉटस्पॉट होता है, अल्ट्रा एज होती है, फिर भी गलत हो सकती है तकनीक, लेकिन फिर भी हम प्रयास किया ऑन फील्ड डिसीजन। गेंदबाज तैयार है, इस बार एज थी, आवाज यहां तक आई थी, लेकिन इस बार पकड़ नहीं पाया रोहित पाटिल। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका। अरे मेरे जवान टीम की रन संख्या टोटल है 18 रन। इस ओवर की यदि बात करेंगे, चार गेंदें पूरी हो चुकी है, 51 रनों का यह टारगेट है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, और हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है, और यहां पर लड़ाई अब करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, गर्म मुकाबला हो रहा है धीरे धीरे। परेश शेल के निकल चुके राउंड विकेट, इस बार अच्छा स्ट्रोक है, मानो थप्पड़ सा जड़ दिया हो। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा एक और चौका। इसी चौके के मदद से रन बने हैं टोटल 22 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद का खेल है बाकी, थोड़ी सी टीम मीटिंग, मुकाबला अभी भी दोनों तरफ खुला है। 51 रनों का टारगेट था, 22 जरूर बने। अंतिम गेंद लेकर चलेंगे परेश शेल के। एक गेंद बीमर आई थी, नो गेंद करार दी गई अंपायर के द्वारा, दो वाइड गेंदे आई, अब तक 7 गेंदे फेंकी है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, डायरेक्ट हिट, काम बन जाता, कोशिश जरूर की थी विशाल ने, बैकअप अच्छा था, रिस्की रन। एक ओवर की भी समाप्ति, रन बने टोटल 23। अब जीत की बात होगी, 18 गेंदे और जीतने के लिए 28, 28 रनों की है जरूरत। तो गुजारिश होगी सम्माननीय चंद्रकांत जी गायकर आइए मंच के ऊपर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सलमान खान की हिट फिल्म थी तेरे नाम, उसका ये संगीत डीजे नितिन, थिएटर में जाकर 3 बार नितिन ने वो फिल्म देखी थी। हेयर स्टाइल भी नितिन का आप देखेंगे 10-15 साल पहले वैसा ही था, क्या कमाल के लगते थे, वाह। जाएंगे निश्चित तौर पर, वो फोटो हम ढूंढ रहे, सर्च जारी है, जैसे मिलेगा सीधा वायरल। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। टीम की रन संख्या टोटल है 23, जीतने के लिए 18 गेंदे और 28 की है जरूरत। कल्पेश शेल के चलेंगे इस बार गेंदबाजी लेकर। रमेश पवार के लिए गेंद थी, फुल टॉस थी, फायदा उठाया, गैप में गेंद जाएगी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, गेंद सीमा पार, एक और चौका। बोला जय विकटे, मुकाबले में लौट जाएगी, कुछ डॉट गेंदे प्रेशर क्रिएट करना होगा, लेकिन यहां से शांत स्वभाव से संयम के साथ बल्लेबाजी है, खराब गेंदों का इंतजार हो रहा है। वाकड़ी क्रिकेट टीम के योगेश पवार ने शुरुआत करी, अब अपना काम बखूबी से निभा रहे रमेश पवार। इस तरीके के हालातों में बल्लेबाजी करना जानते हैं। एक और फुल टॉस थी पैर के ऊपर, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, शफलाइज किया था, दूसरे की कोशिश है, तेज थ्रो अच्छा नहीं आया, तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ, 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी 29 रनों के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए आने वाली गेंदे बचेगी 16, और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है।
परेश शेल के पायलट क्रिकेट टीम की ताकत उनकी गेंदबाजी रही है, लेकिन इस बार इस मुकाबले में क्या गेंदबाज चल पाएंगे या वाकड़ी क्रिकेट टीम को रोक पाएंगे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, सुपर रेट में कौन पहुंचेगा, आदई क्रिकेट टीम के विरुद्ध कौन खेलेगा, यह भी देखने वाली बात है। अच्छी गेंद थी, तेज गेंद, चकमा दिया, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 15 गेंदे जीतने के लिए 22 रनों की है जरूरत, 15 गेंदे 22 की आवश्यकता। जिस तरीके से कहते हैं ना क्रिकेट में, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। गेंदबाज तैयार है राउंड द विकेट से, जोरदार अपील करी गई, इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर ने भी यही दिखाया। तब तक एक रन आता बल, एक 22 का एक रन जरूर मिलेगा, सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। टीम की रन संख्या 30 रन, अभी भी जीतने के लिए 14 गेंदे, 21 रनों की आवश्यकता। जिसे कहते ना अभी मंजिल दूर है, रुकना नहीं है, आएगे अभी मुश्किल है हजार, झुकना नहीं है, और यही सोच रखेगी पाली क्रिकेट टीम, मुकाबला अभी भी बन सकता है। 14 गेंदे 21 की आवश्यकता। दूसरी तरफ वाकड़ी क्रिकेट टीम की बात करेंगे, थोड़े से शांत है, रमेश पवार अच्छी बल्लेबाजी करे, योगेश पवार अच्छा साथ निभा रहे मैदान के अंदर, बिना नुकसान 30 रनों की यह साझेदारी वाकड़ी क्रिकेट टीम की। 14 गेंदे 21 की है आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से होंगे तैयार। ऑफस्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में हुई बढ़ोतरी। टीम की रन संख्या टोटल है 31, 14 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की है जरूरत। स्ट्राइक रेन के ऊपर योगेश पवार, योगेश ने शुरुआत की थी छक्के के साथ, उसके बाद बीमर के ऊपर लगाया था चौका, और राहुल ने अपना काम बखूबी से निभाया। पाली क्रिकेट टीम क्या सोच रही है, क्या टीम मीटिंग में प्लानिंग हुई होगी, जिस तरीके से जब समीकरण बचा था 18 में 28 चाहिए थे, पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद कमबैक जरूर है। आने वाली गेंदे बची है 14, 20 रन की जरूरत है। यह भी अच्छा स्ट्रोक है, गैप में है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद तक खिलाड़ी पहुंच पाता सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 13 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की है जरूरत। रमेश पवार इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहेंगे, पाली क्रिकेट टीम चाहेगी इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद या फिर विकेट, क्या होगा नतीजा, जबरदस्त यह मुकाबला है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, 13 गेंदे जीतने के लिए 19 रनों की है जरूरत। गेंदबाजी में कल्पेश शेल के, इस ओवर के अंतिम गेंद रमेश पवार के लिए, कदमों का इस्तेमाल, बिग फिश इन द नेट, मुकाबले में वापसी के संकेत दे दिए हैं जय बाप दे पाली टीम ने। अब गेंदे बचेगी 12 और 19 रनों की है जरूरत। क्या बात है, जबरदस्त है यह मुकाबला। अंतिम क्षणों में आओ का विकेट, 12 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है 19 रनों की आवश्यकता। जैसे कहते ना, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नए मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मुकाबले में मजा बरकरार है, अंतिम गेंदे है 12, 19 रन की है जरूरत। ड्रिंक्स ब्रेक है, मौका देंगे डीजे नितिन। फैन राकेश जाधव, जैसे गाना सलमान खान का सुनते उनके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान भी है, तो राकेश जाधव सुपर फैन ऑफ सलमान खान, आपसे गुजारिश है आइए आप हमारे मंच के ऊपर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों, 12 गेंदे जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। योगेश पवार और नया बल्लेबाज मैदान में आदित्य मोरे, तीसरे नंबर का यह खिलाड़ी। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज राहुल शेलके, जीतने के लिए 12 में करने हैं 19 रन कंपलसरी चेस। आज एक हमने एक मुकाबला देखा था, मोहर आदई के खिलाफ वो मुकाबला था, लाजवाब जंग,
हमने देखे थे और इस मुकाबले में हम फील कर रहे हैं कि मुकाबला अंतिम क्षणों तक जाएगा। 12 गेंदे 19 की दूरी है तो बिल्कुल हमारे बाहुबली रोहन पाटिल क्या लजीज और अजीज खाना हमारे लिए बनाया था। कल भी यकीनन रोहन के हाथ का हम खाना खाने के लिए जरूर पहुंचेंगे दोपहर को। बिल्कुल मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों। 12 गेंदे 19 की है दूरी। सामने है योगेश पवार, गेंदबाज से लेकर चलेंगे राहुल शेल के। पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद सीधा हवा में तीर की तरह, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। गुस्सेल क्रिकेट है, मुकाबला गर्म है। 11 गेंदे 19 रन की है जरूरत। क्या बात है डीजे नितिन, पुराने फिल्मों के बहुत बड़े फैन है। फिल्म मेला जब भी टीवी पर आती है टीवी के सामने से हिलते नहीं है। आज भी नितिन का आप मोबाइल चेक करो, मेला फिल्म डाउनलोड है। मैदान में हम जरूर जाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, लेकिन डीजे नितिन जब भी हमारे साथ होते बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां डीजे नितिन की ऑपरेटिंग चली नहीं। लाजवाब ऑपरेटर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सबको एंटरटेन करने के लिए। मैदान में हम जाएंगे जरूर। अंतिम गेंदे बचेगी 11 और जीतने के लिए 19 रनों की है आवश्यकता। तेजस पवार तीसरे चौथे नंबर के ये खिलाड़ी है। 11 गेंदे 19 की दूरी राहुल सेल के। इस ओवर की दूसरी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। इसकी सख्त जरूरत थी और वो छक्का दिखाया। 10 गेंदे 13 की है जरूरत। जबरदस्त स्ट्रोक था। चौथे नंबर के खिलाड़ी तेजस पवार ने आकर दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। 10 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की है जरूरत। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। गावदेवी वाकड़ी या फिर जय बाबदेव पाली, सुपर रेट में कौन पहुंचेगा। सभी की निगाह है मैदान की ओर, कड़ा संघर्ष चलता है गेंद और बल्ले के बीच में। 10 गेंदे 13 की जरूरत। राहुल तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात, एक रन तो मिलेगा जरूर। एक हाथ से फील्ड करने की कोशिश थी, दूसरे के लिए तब तक निकल चुके थे। 2 रन का इजाफा होता हुआ 9 गेंदों में अब करने हैं 11 रन। 9 गेंदे 11 की आवश्यकता। आदित्य मोरे को अब तक मौका मिला नहीं, पिछले मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेली थी आदित्य ने, जबरदस्त इनिंग थी वो। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। 12 गेंदों में 29 रन बनाए थे, अब तक आदित्य खामोश है, मौका मिला नहीं, लेकिन काम बखूबी से निभा रहे तेजस पवार। कई सारे नए चेहरे लेकर मैदान के अंदर उतरे वाकड़े क्रिकेट टीम, लाजवाब क्रिकेट है। राहुल तैयार है, एक बार फिर से कमबैक है। 8 गेंदे जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। हर गेंद के ऊपर मुकाबला बदलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा इस गेंद के ऊपर हमने देखा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार राहुल शेल के। इस ओवर के आने वाली 2 गेंदे अभी भी शेष है। 8 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की है जरूरत। 5वीं गेंद इस ओवर की, यह गेंद ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अब 8 गेंदे बची है और 10 रनों की है जरूरत। चौथे नंबर के खिलाड़ी तेजस पवार, 3 गेंदे तेजस ने खेली, 8 रनों का योगदान है। शानदार और जानदार यह मुकाबला है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए ये रेस अब शुरू हो चुकी है। 8 गेंदे 10 रन की है जरूरत। लोअर फुल टॉस, गैप में गेंद है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हल्की सी है मिसफील्ड, दूसरे के लिए निकल चुके हैं और 2 रन का इजाफा होता हुआ। फील्डिंग का स्तर आपका
अच्छा होना चाहिए यदि आप इस तरीके के हालातों में क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आज फील्डिंग के चलते मोह क्रिकेट टीम ने मुकाबला गंवाया था। यहां पर भी एक रन को डबल में कन्वर्ट किया, थोड़े से तेज तर्रार होना पड़ेगा आपको, फिर भी मुकाबला बना है 7 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की है आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट से इस ओवर की अंतिम गेंद, 7 गेंदे 8 रन की है जरूरत। टप्पा गिरने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही, उठी नहीं गेंद, डॉट गेंद की भी समाप्ति। अब गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए जरूरत है 8 की आवश्यकता। 12वां खिलाड़ी जाएगा पानी लेकर, यदि ड्रिंक्स की मांग हुई है, टूर्नामेंट के कई सारे नियम है, उन्हीं के तहत आपको यकीनन मैदान के अंदर क्रिकेट खेलना है। जब तक मैसेज जरूर पहुंचता है, क्योंकि जिस तरीके से जो आंटी कहते हैं ना कि पानी पिलाना तो सिर्फ एक बहाना है, पुराने फिल्मों में हम देखते थे जब सलमान खान की फिल्म थी मैंने प्यार किया, कबूतर लेके संदेशा लेकर जाते थे, पानी पिलाना तो सिर्फ बहाना है। और ये 12वें खिलाड़ी मानो कबूतर की भूमिका में संदेशा लेकर मैदान के अंदर, यही क्रिकेट है दोस्तों, मजा है क्रिकेट का। मौका होगा, डीजे नितिन तैयार है इसी के लिए, ओवर टू यू। छह गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की है अभी भी जरूरत। चलो मुकाबला शुरू करने, राकेश जाधव, गीतेश पाटिल आपको बेहद याद कर रहे कब से, इसलिए आपको गुजारिश है आइए मंच के ऊपर। विशाल शेलके आएंगे गेंदबाजी में, 6 गेंदों में 8 को बचाना है। आदित्य मोरे और उनके सामने होंगे विशाल शेलके। तेजस पवार एक छक्का जरूर आया था लेकिन बाद में कमबैक किया था गेंदबाज राहुल ने। मुकाबला दोनों तरफ अभी भी खुला है दोस्तों, 6 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की है आवश्यकता। कौन मुकाबला जीतेगा, विशाल शेल के दबाव दोनों तरफ है, कौन मुकाबला यहां से जीत पाएगा, किसके हिस्से में खुशी किसके हिस्से में गम, कौन हंसेगा कौन रोएगा। अंतिम गेंदे है 6 और जीतने के लिए 8 रन की है जरूरत। वाकड़े या फिर पाली, सुपर 8 में पहुंचने के लिए जंग है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विशाल शेल के, बल्ले का किनारा है आदित्य मोरे, बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली जाल में है, पहली गेंद के ऊपर सफलता, 5 गेंदे 8 की दूरी। तो बिल्कुल यहां से अपने टीम को धोखा देते हुए आदित्य मोरे, अविनाश पाटिल नए खिलाड़ी मैदान में, 5 गेंदे जीतने के लिए 8 रन की है आवश्यकता। मुकाबला जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ, पाली क्रिकेट टीम एक समय ऐसा लगा जब पहले ओवर में 23 आए मुकाबला छोड़ेगी, लेकिन लड़ने वाली टीम है, संघर्ष करना जानती है, मेहनत करना जानती है, तेजस ने उम्मीदें जगाई, मुकाबला बिल्कुल पास है यदि बात करेंगे वाकड़ी क्रिकेट टीम की, लेकिन आसान बनेगा नहीं मैदान में, कहने को आसान सा समीकरण है, 5 में 8 चाहिए, लेकिन दबाव इतना बन चुका है, माहौल क्रिकेट का ऐसा बन चुका है जिसे कहते हैं ना जिंदगी ने यही सिखाया कि मेहनत करो रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो दोस्तों किसी के आगे झुको मत, झुकना मना है डरना मना है। 5 गेंदे जीतने के लिए 8 रन की अभी भी जरूरत है। राउंड द विकेट से इस बार बाएं हाथ का खिलाड़ी स्ट्राइकर इनके ऊपर अविनाश पाटिल, 5 गेंदे 8 की है दूरी। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पीछे पॉइंट में खिलाड़ी तैनात जरूर है, 1 रन तो मिलेगा, दूसरे की कोशिश है, गलती रोहित पाटिल से, प्रेशर आपसे सब करवाता है, अच्छे कीपर है कलेक्ट किया नहीं गया और 2 रन का यहां से इजाफा होता हुआ।
जहां पर सिंगल भी नहीं बनता था दो रन दे दिए पाली क्रिकेट टीम ने, दबाव आपसे सब कुछ करवाता है। अब चार गेंदे बचेगी और जीतने के लिए छह की आवश्यकता। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे, मेहनत करनी है दोनों क्रिकेट टीम को मैदान में, क्योंकि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और सुनहरा कल किसका होगा, कौन मुकाबला जीतेगा, अंतिम गेंदे बचेगी चार और जीतने के लिए छह रन की है आवश्यकता। वाकड़े या फिर मुकाबले में वापसी करेगी पाली, चार में चाहिए छह, सुपर रेट में कौन पहुंचेगा। एंट्री लाइक अ किंग, फाइट लाइक अ वॉरियर, विन लाइक अ चैंपियन एंड लिव लाइक अ लेजेंड। लेजेंड कौन होगा इस मुकाबले का, वाकड़ी या फिर पाली के बीच में ये द्वंद्व युद्ध चलता हुआ। सामने है अविनाश पाटिल, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से चार गेंदे छह रन। अच्छा स्टोक है, क्या में गेंद है, एक बार कशेल के पीछे, एक रन तो आसानी के साथ पूरा होगा, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, बैकअप है, दो रन का इजाफा होता हुआ। अब तीन गेंदे बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है चार की आवश्यकता। तीन गेंदे चार रन, अब तक मुकाबले में जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है। अटैक कौन करेगा, आक्रमण कौन करेगा, गेंदबाज या फिर बल्लेबाज। तीन गेंदे चार रन, सिंगल डबल से भी जाएंगे तो मुकाबला आसान सा है, लेकिन माहौल बन चुका है मुकाबले का, जबरदस्त लड़ाई दोनों टीमों के बीच में चलती हुई, कौन मुकाबला जीतेगा। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी बेहद जरूरी है। अंतिम तीन गेंदे फैसला करेगी इस मुकाबले का, तीन गेंदे चार रन की है जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, फील्ड प्लेसमेंट पाली क्रिकेट टीम के हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। यदि आप तीन में चार बचाते हो तो आपके चार खिलाड़ी 30 गज के बाहर सीमा रेखा के नजदीक क्या कर रहे, ये खराब कप्तानी है मैं तो कहूंगा पाली क्रिकेट टीम की। अब दो रन की है जरूरत, दो गेंदे और दो रन की आवश्यकता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम खेल रही है लड़ रही है, हम तो सिर्फ दिल धड़कने वाले मुकाबले हम देखना चाहते, दिल धड़कने की एक कहानी है, दिल धड़कने वाला मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, क्रिकेट का नाटक, क्रिकेट का ड्रामा फिर से शुरू हो चुका है, जबरदस्त मुकाबला। चलो मुकाबला शुरू करने, जिस रिदम में मुकाबला जा रही है दोस्तों एनर्जी हमारी भी जा रही है। अंतिम दो गेंदे दो की आवश्यकता, जबरदस्त यह मुकाबला है। जीतू 11 जवानमान क्रिकेट टीम नेरे, इनके माध्यम से स्वर्गीय जीतू दादा पाटिल स्मृति ट्रॉफी का यह तीसरा दिन, पांचवीं टीम में मिली थी अदई और छठी कौन सी होगी, इसके लिए जंग छेड़ चुके। दो गेंदे दो की आवश्यकता, टाइम अलर्ट है, बिल्कुल अंपायर यही सूचित कर दे, ज्यादा आप टीम मीटिंग ले नहीं सकते, इस तरीके का मुकाबला सुबह के सत्र में पहले हम देख चुके। दो गेंदे दो रनों की है जरूरत, मुकाबला कैसे बनेगा। अब फील्ड प्लेसमेंट हम दिखेंगे जरूर, अब सिंगल को बचाने की कोशिश है, मिड ऑन में एक खिलाड़ी है, सिली मिड ऑफ में एक खिलाड़ी है, किस तरीके की सोच होगी, गेंद किस प्रकार की आएगी, कैसा रहेगा रवैया, कैसा आएगा नतीजा, रोहित पाटिल एंड कंपनी, जय बापदेव पाले या फिर आई गावदेवी वाकड़ी, सुपर एट में कौन पहुंचेगा। अंतिम दो गेंदे और जीतने के लिए दो रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी में चलेंगे गेंदबाज विशाल शेल के, सामने है अविनाश पाटिल, दो गेंदे दो रन। अच्छा स्टोक है, एक रन तो मिलेगा जरूर, दूसरे की कोशिश जरूर होगी और दो रन का इजाफा, गेम इज ओवर, मुकाबला जीता गावदेवी वाकड़ी। वे प्लेट थैंक यू। तो इस मुकाबले का हीरो, मैन ऑफ द मैच नो डाउट, अंतिम क्षण में जब दबाव भरा माहौल था मुकाबला जीताया, अविनाश पाटिल बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। पाली क्रिकेट टीम फील्ड में करी गई बहुत सारी गलतियां आपको भुगतनी पड़ी और मुकाबला गंवाना पड़ा। मैं तो कहूंगा थ्रो भी इतना अच्छा नहीं था रोहित पाटिल के लिए,
कलेक्ट कर नहीं पाए और मुकाबला गवाना पड़ा।